बात नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में भी आज सुबह सुबह प्रातः काल कुछ इंद्र देवता ने प्रसन्न हुए हैं और आज कुछ बारिश हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा खासा इम्प्रूव होने की उम्मीद भी नजर आ रही है, लेकिन मार्केट के लिए कुछ ऐसा कह सकूं ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। तो आइए सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हो सकता है गैप अप गैप डाउन। लेकिन गैप अप गैप डाउन से भी पहले हम लोग देखेंगे विदेशी संस्थागत निवेशक या FPIs का डेटा, FIIs का डेटा, FPIs का डेरिवेटिव डेटा। आइए सबसे पहले उसी पर नजर डालते हैं दोस्तों। और आपके सामने 9 नवंबर 2023 का डेटा रखा है मैंने सामने। वो कह रहा है कि 1712 करोड़, 1712 करोड़ के नेट सेल में बैठे हैं आपके विदेशी संस्थागत निवेशक। मतलब बाइंग में आने का कोई सवाल ही पैदा अभी उनका नहीं हो रहा। हर रोज नेट सेल कर रहे हैं और जिस दिन कुछ नहीं भी करते उस दिन कम से कम बाय तो नहीं करते, बिल्कुल न्यूट्रल चले जाते हैं। परसों ही देखा था मैंने, लेकिन कल का तो आपको पता है 1712 करोड़ की हैवी हैवी सेलिंग है नेट सेल में। दिस इज हैवी। और उसकी अगेंस्ट 1512 करोड़ की DIIs की बाइंग है, कोई खास बाइंग उनकी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हो जाता है क्योंकि हम लोग निफ्टी बैंक, निफ्टी, फिर निफ्टी और सेंसेक्स में काम करते हैं, तो कि इनका डेरिवेटिव्स का, FPI डेरिवेटिव ट्रेड्स का डेटा क्या है। तो अगर आप देखेंगे 9 नवंबर को इंडेक्स फ्यूचर्स, सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, आपको पता चलेगा इंडेक्स फ्यूचर्स बेच के जा रहे हैं। सेल के इनके ट्रेड्स आप देख सकते हैं, 31,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2354 करोड़ और यहाँ पे 2046 करोड़। तो आप भली भांति जान सकते हैं कि भाई इंडेक्स फ्यूचर्स को भी बेच के जा रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस, अब इंडेक्स ऑप्शंस में आपके सामने क्या डेटा है, 3038, यहाँ पे 3092। इट मीन्स यहाँ पर भी ये इंडेक्स ऑप्शन भी बेच के जा रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस भी बेच रहे हैं, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स भी सोल्ड है। मतलब स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में कई बार ऐसा होता है कि हेज करके गए होंगे, यहाँ तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। हाँ, स्टॉक ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में भी कहीं ना कहीं वही कहानी है कि सेल का आपका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा भयंकर है, भयंकर है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई FII इसका डेटा तो ऐसा नहीं कह रहा कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की इच्छा रखते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये बताइए कि गैप अप हो सकता है क्या, क्योंकि बहुत लोग जो है ना वो थर्सडेज को, मुझे मालूम है वो फ्राइडे के लिए, जब खासतौर पे तब जब एक नरम सी क्लोजिंग हो जाए तो अगले दिन के लिए वो होल्ड करके चले जाते हैं, कॉल लेके चले जाते हैं। ऐसा मुझे होता हुआ नहीं नजर आ रहा दोस्तों, सही सही बात बता रहा हूँ। मुझे एट द बेस्ट कह रहा हूँ फ्लैट हो जाएगी, अदरवाइज गैप डाउन ओपनिंग ही नजर आती हुई दिख रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि भाई क्या सिनेरियो रह सकता है बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, जबकि आपको पता है जो बड़े स्टॉक्स हैं वो कुछ ज्यादा अच्छा कुछ कर रहे हो नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि रिलायंस और HDFC बैंक कुछ बड़ा करने वाले कुछ अपना रुख दिखा रहे हो। HDFC बैंक का जब से 1500 से नीचे आया तब से आपको मालूम है कि दिक्कत भरा सबब उसने बैंक निफ्टी के लिए और एज अ होल निफ्टी के लिए भी कर ही दिया है। चलिए एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, बैंक निफ्टी में क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। देखिए बैंक निफ्टी में 43,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 43,500, 550, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक बेस है। लेकिन अगर ये बेस टूटता है, यानी कि ये समझ लीजिए कि 43,489, 490 के नीचे हम जाना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वहां से हमको लगभग लगभग 100, 105 पॉइंट का डाउनसाइड बिल्कुल दिखता है। वो दिखता है 43,385 तक का। 43,385 भी अगर कट गया तो 43,263 भी हमको दिख सकता है। वहीं अगर आप साइड की बात करेंगे दोस्तों, तो 43,876, 43,876
से पहले बाइंग में मैं तो आने की सोचूंगा अभी नहीं। 43876 के बाद 43978, और 43978 से लेकर 44010 तक जो है ना, वो ये समझ लीजिएगा एक सप्लाई जोन हो सकता है। बट अगर हम उसको पार कर जाते हैं 44010 को, तो फिर हम सीधा सीधा 44192 के लेवल्स को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। बट क्या ऐसा होगा, अब देखते हैं। एफआईआई क्या करते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशकों का डेटा तो कुछ और ही कह रहा है, वो आपके सामने मैंने ऑलरेडी रख ही दिया है। चलिए अब एक बार को निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी 50 कल का हाई है 19464, 19464। अब 19464 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेगा, तभी मैं तो बाइंग में सोचूंगा। 19464 के ऊपर हमारा जो लेवल आता है, वो आता है 19489 का, 19464, 19490 के आसपास समझ लीजिए, 89 489 490। और अगर 490 क्रॉस करते हैं और उस साइड पे, यानी कि बैंक निफ्टी की साइड पे हम 44,000 क्रॉस कर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, तो ये समझ लीजिए 19522 के भी ऊपर जाने के हमारे आसार नजर आ जाएंगे। बट उसके लिए आपको पता है, बैंक निफ्टी को तेज चलना पड़ेगा, रिलायंस को भी तेज चलना पड़ेगा। वहीं अगर हम कल का लो क्या है, 19378, 377, 378 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 19347 और 19310 तक के लेवल्स पे हमको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे, 19300 अभी तक के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। 19300, 310 रिमेन्स एज एन एक्सेलेंट सपोर्ट इन निफ्टी 50। एंड ऑन द अदर हैंड इन बैंक निफ्टी, 43500 रिमेन्स एज एन एक्सेलेंट सपोर्ट। दीज आर सपोर्ट्स। और डेटा जो कह रहा है, डेटा क्या कह रहा है, अब ये दो चीजें तो हो गई। अब डेटा ये कह रहा है कि मार्केट इज सेल ऑन बाउंस, इट इज नॉट बाय ऑन डिप्स। मेरे को नहीं लगता कि वो बाय ऑन डिप्स। अब आपने क्या करना है वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए सेल ऑन बाउंस ही है। कोई बाउंस मिलेगा, मैं उसको सेल ही करना पसंद करूंगा। मैं सही होता हूं, मैं गलत होता हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को तो सेटअप पर अपने पर काम करना है। और मेरे स्टॉप लॉसेस बिल्कुल निर्धारित हैं, मेरे स्टॉप लॉसेस निर्धारित हैं, मेरे टारगेट निर्धारित नहीं है, स्टॉप लॉसेस निर्धारित हैं। तो मैं स्टॉप लॉसेस पे काम करता हूँ, आप लोग बिना स्टॉप लॉस के सिर्फ टारगेट पे काम करते हैं, बस यही फर्क होता है लोगों में। अब दोस्तों अंडरस्टैंड ये भी करना है हमको कि भाई आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, तो अक्सर देखा गया है कि एक छोटी सी मूवमेंट आती है 2-2 बजे के करीब, बहुत तेजी से वो मूवमेंट आती है, लोग कैच भी कई बार नहीं कर पाते। अगर वो अपसाइड की मूवमेंट आती है 2-2.5 बजे के करीब, 2 से 2.5 पौने 3 बजे, तो ये समझ लीजिएगा उसके बिल्कुल एंटाई, उसके बिल्कुल उलट, 2:45 3 बजे के बाद उसके बिल्कुल उलट मूवमेंट डाउनसाइड की भी या अपसाइड की, जिस उसके अगेंस्ट मूवमेंट जो है वो आ जाती है। तो इस पर भी बना के रखिएगा नजर। अचानक से स्पाइक आ गया तो घबराइएगा नहीं, 2-2.5 बजे के बाद जो स्पाइक आएगा उस पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे है तो होल्ड करके जाना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं रहेगा, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं रहेगा। हाँ, 11 तारीख को दिवाली है, 1 घंटे का जरूर मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि होल्ड करके जाना है क्यों, इट्स बेटर कि हम आज का ट्रेड आज में ही काट के जाएं। 3 चीजें और मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो लखनऊ सेमिनार के बारे में आप सबको मालूम ही है, लखनऊ में सेमिनार कर रहे हैं हम 19 नवंबर 2023 को, रविवार का है दिन, और रविवार के दिन मैं चाहता हूँ कि आप सब वहां आए, रजिस्टर कीजिए। 4,000 रुपीज उसका इनविटेशन फीस है, फुल डे का प्रोग्राम है, ऑप्शंस ट्रेडिंग पर बातचीत होगी, और मॉर्निंग इवनिंग टी अलोंग विद लंच भी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेमन ट्री लखनऊ उसका वेन्यू है, सुबह 9:30 से 5:30 तक का कार्यक्रम रहेगा। मैं 18 तारीख को ही, 18 नवंबर को ही लखनऊ पहुंच जाऊंगा। अगर कोई मिलना भी चाहेगा तो मुझसे मुलाकात कर सकता है, फोन करके आ जाइएगा। अब दोस्तों दूसरी चीज, 23 या 24 से, 23rd of November से, मुझे लगता है 23rd of November से ही कर पाएंगे, 23rd of November से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 11 डेज का बैच होगा,
और उन 11 डेज के बैच में भी आपको पता है ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ही बात होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इनके सेटअप कैसे लगते हैं, क्रूड ऑयल का सेटअप क्या है, फिर आपका नेचुरल गैस का सेटअप क्या है, इन सब के सेटअप्स पर बातचीत होती है और आप किस तरह से काफी कुछ ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ आप वहां पे पाते हैं। तो वो 11 डेज का बैच है और 10,000 रुपीज उसका फीस रखा गया है। तो जो भी आना चाहे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखी है, आप फोन पे पेटीएम या जीपे कर सकते हैं। अगर कुछ जानकारी भी चाहिए होगी तो आप जानकारी उस नंबर से मेरे से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, इससे इश्क हो जाता है लोगों को, तो इश्क मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है, बस एक बार ट्रेड लिया, प्रॉफिट आया तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या चीज है, ये मनी मिंटिंग मशीन नहीं है, ये मनी खा जाने वाली मशीन है, ये समझ लीजिएगा। तो पैसा छापने की मशीन नहीं है ये, कुछ लोगों को ये लगता है। तो भाई इससे बेहतर है कि आप डुबो, डुबोने से बेहतर ये है कि आप इसको पहले सीखो, सीखिए और फिर कीजिए। कई लोग सीधा सीधा सोचते हैं कि जुआ मत खेलिए इसमें, सट्टा मत खेलिए इसमें, ये सट्टा नहीं है, स्टॉक मार्केट इज नॉट सट्टा, एंड स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग इज नॉट अ सट्टा, इट इज ऑल अबाउट टेक्निकल्स। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक इसको मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, सेबी भी ये कहता है 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉसेस। तो अगर ऐसी कहानी है तो भाई थोड़ा बच के चलोगे तो बेहतर चलेगा, थोड़ा केयर से कीजिए, टेक केयर ऑफ व्हाट यू डू, एंड पहले लर्निंग कीजिए, एडुकेट हो जाइए, नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद इस पे काम कीजिएगा। और अगर आपको एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि भैया ये आपके बस की बात नहीं है, आप दूर रहें तो बेहतर होगा। सेबी भी कहता है 90% जो लोग हैं वो इसमें लॉसेस में ही हैं। प्लीज लास्ट में एक चीज और बोलना चाहता हूं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, जैसी टेक इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो एनीथिंग दैट वी टॉक हियर इज फॉर एकेडमिक पर्पसेस। जो भी यहाँ पे बातें की गई है ये सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए हैं, इनका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे वीडियो को, लाइक कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे।